तो मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट के कंसेप्ट बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट है इसमें हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जेड इज इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा अपॉन वन माइनस थ्री आयोटा और हमें इस नंबर के लिए मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है तो अब आपको यह क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक फोर मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई होप आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं हम यह क्लियरली देख सकते हैं कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वह स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि x आयोटा y की फॉर्म में नहीं है तो हम सबसे पहले इसे x आयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वो कैसे करेंगे ये आप सीख चुके हो कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा माइनस वन बाई टू प्लस आयोटा बाई टू अब आप देख सकते हो कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा मिल गया है अब जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करेंगे तब हमें x की वैल्यू मिलेगी माइनस वन बाई टू एंड y की वैल्यू मिलेगी वन बाई टू तो अब यहां से सबसे पहले हम मोड्यूल फाइंड करेंगे सो मोड ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर जिसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू अब हम आर्गुमेंट फाइंड करते हैं तो हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि x की वैल्यू नेगेटिव है एंड y की वैल्यू पॉजिटिव है एंड हम पढ़ चुके हैं कि इस केस में आर्गुमेंट क्या होता है तो अब हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ वन बाय टू अपॉन माइनस वन बाई टू इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा थ्री पाई बाई फोर